हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम पेपर से क्यूट क्यूट डीआईवाई करेंगे। वैसे तो मैं पेपर से बहुत कम डीआईवाई करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं पेपर से बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। जब भी मैं सोचती हूँ कि अब की बार पेपर से डीआईवाई करूंगी, तो पेपर को हाथ में लेके सोचती रहती हूँ और कुछ भी नहीं करती। लेकिन पता नहीं कैसे इस बार अचानक से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार डीआईवाई दिमाग में आ गए। फिर क्या, झट से मैंने इनको अपनी डायरी में नोट कर लिया, क्योंकि आपको तो पता है ना कि कितना दिमाग है मुझे। एक नंबर की भुलक्कड़, भूलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो हम चार डीआईवाई बनाने वाले हैं। पहला डीआईवाई सिंपल सा और क्यूट सा गेम है। इसको बना के आप कहीं पे भी और किसी के साथ भी खेल सकते हो, और सच में दोस्तों खेलने में बहुत मजा आएगा। और ये तो आपने देख लिया होगा कि इसको बनाना कितना इजी है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। चलो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि ये गेम आपको कैसा लगा। अब इसको एक बार खेल के देख लेते हैं। तो मैं चूज करूंगी 9 नंबर। देखते हैं 9 नंबर पे क्या आता है। तो 9 नंबर पे है ओ इंटेलिजेंट। वैसे इंटेलिजेंट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अब आ गया है तो मान लेते हैं। चलो अब पहला डीआईवाई तो कंप्लीट हो गया है, अब बनाते हैं दूसरा डीआईवाई। दूसरे डीआईवाई में क्या बनाओगी? दूसरा डीआईवाई भी एक प्यारा सा और क्यूट सा गेम ही। दूसरा है। गेम बनाने के लिए एक पेपर कप लेंगे और उस पे कलर करेंगे। फिर एक छोटू सा गोल मटोल कार्डबोर्ड लेंगे उसका ढक्कन बनाने के लिए। अब एक लंबा सा कलर पेपर लेंगे और उस पे एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे। तुमने क्या लिखा है? मैंने लिखा है यू आर ब्यूटीफुल पर्सन। और ये लिखने के बाद अब मैं इसको रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करूंगी। इसको कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर एक प्यारी सी स्माइल बनाएंगे। और अब एक रेक्टेंगल से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे रेक्टेंगल। और देखो हमारा दूसरा गेम भी बन गया है। अब इसमें से एक चूज करते हैं और देखते हैं क्या आता है। क्या आया, क्या आया? ओ यू आर ऑसम। ओ दूसरा डीआईवाई भी कंप्लीट हो गया है, अब आते हैं तीसरे डीआईवाई पे। तीसरा डीआईवाई गेम नहीं है, बल्कि एक क्यूट सी डायरी है। इसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड लेंगे और इसको एक चमचे की शेप में कट करेंगे। खाना बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए नहीं, डायरी बनाने के लिए। ये कैसी डायरी है जिसको चमचे की शेप में कट करना पड़ा? ओहो, डायरी तो सभी बनाते हैं ना, कुछ अलग भी तो होना चाहिए ना। चमचे की शेप में ये इसलिए है क्योंकि नीचे की साइड में पेंसिल होगी और ऊपर की साइड में डायरी होगी। अब कुछ नोट करने के लिए अलग से पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि नीचे से निकालो और नोट कर लो। क्यों, है ना कमाल का आइडिया, क्यूट भी और काम भी पूरा करेगी। तो चलो इस बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तीसरा डीआईवाई भी कंप्लीट हो गया है, अब बनाते हैं चौथा डीआईवाई। अब फिर से एक क्यूट सी डायरी बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे कलर पेपर लेंगे जिसको रेक्टेंगल के शेप में कट कर लेंगे। अब इसको क्यूट बनाने के लिए इसके ऊपर छोटू सा एक बो लगाएंगे, इसके आईज और स्माइल बनाएंगे। और इसके बाद हमारा चौथा डीआईवाई भी कंप्लीट हो गया। चलो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको इन चारों डीआईवाई में से कौन सा डीआईवाई ज्यादा प्यारा लगा। अगर आपको इनमें से कोई एक डीआईवाई मिले तो आप कौन सा रखना चाहोगे, कमेंट करके बताओ। बाय बाय।